हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। छठा चैप्टर है आपके किताब का, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। गांव का प्रशासन कैसे चलता है? देखो, प्रशासन का मतलब होता है मैनेजमेंट। जो भी आपके गांव की समस्याएं हैं, या कोई सुविधाएं क्रिएट करनी हैं, या किसी बात पे विवाद हो जाता है, तो वो प्रशासन की दृष्टिकोण से कैसे सुलझाए जाते हैं, या उन पर काम कैसे किया जाता है। पिछले चैप्टर में जो फिफ्थ चैप्टर था आपका, उसमें मैंने बताया था कि गांव का प्रशासन जो है वो पंचायती राज सिस्टम के द्वारा किया जाता है। मतलब एक मुखिया होता है, सरपंच होता है, और वो चुना हुआ होता है, उसकी पंचायत में कुछ पंच होते हैं, और वो लोग जो है गांव के बारे में फैसले लेते हैं कि गांव का विकास कार्य कैसे होंगे, कौन से तरीके अपनाए जाएंगे, और सारे एक ग्राम सभा उसके द्वारा मिलकर फैसले लिए जाते थे। वे थे आपके विकास संबंधित कार्य, डेवलपमेंट संबंधित कार्य, या जो समस्याएं थी उससे संबंधित निर्णय थे। अब गांव में कई बार क्या होता है, छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो गांव की पंचायत मिलकर उन झगड़ों को भी सुलझाती है। उसका एक फायदा ये है कि जो कोर्ट के चक्कर काटने में समय व्यतीत होता है और पैसा खराब होता है, वो मामले गांव में गांव की पंचायत के द्वारा ही सुलझाए जा सके और गांव वालों का टाइम और पैसा बच सके। तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि किस तरह से गांव का प्रशासन चलता है। ये शुरू में एक एग्जाम्पल देखते हैं। टेक ओवर सम ऑफ द मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। एक गांव में क्रूअल हो जाती है, ये आपने पिछले पेज पे एक चैप्टर दिख रहा है जिसमें दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। उसका क्या मामला है ये हम पढ़ते हैं। मोहन इज ए फार्मर, मोहन एक किसान है। इस फैमिली ओन ए स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर। उनके गांव गांव में उनकी एक छोटी सी किसान खेती करने के लिए ज़मीन है जिस पर वो बरसों से खेती करते आए हैं। नेक्स्ट टू हिज फील्ड द रघुज लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाई ए स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड ए बॉन्ड। अगला ही खेत रघु का है और वो भी एक अलग होता है उसके खेत से, जिसे एक स्मॉल बाउंड्री, जिसे हम इस तरह की एक बाउंड के द्वारा से जिसे ऊंची बना दी जाती है, यहाँ से मिट्टी उठा के दो खेतों के बीच में सेपरेशन होती है, एक छोटी सी मिट्टी की दीवार खींच जाती है जिसे बॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में। वन मॉर्निंग एक सुबह मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बॉन्ड बाई ए फ्यू फीट। मोहन ने देखा कि रघु ने अपनी तरफ से, मान लो ये खेत मोहन का है, ये खेत रघु का है, तो ये बीच में एक बॉन्ड है, तो उसने देखा कि मोहन ने रघु ने कुछ फिट आगे सरका दी है, ठीक है, ये मोहन का खेत था, ये रघु का खेत है, तो रघु ने इस बॉन्ड को यहाँ ला दिया और ये जो चीज़ है ये मिट्टी हटा के अपने खेत में मिला ली। इससे क्या होगा, बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू, ऐसा करके क्या है, अपना खेत बढ़ा लेगा और मोहन की लैंड ले लेगा। और ये गांव में आम समस्याएं होती हैं, ये होता रहता है। टेक ओवर मोहन्स लैंड, उससे उसने मोहन की भूमि ले ली एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ऑन फील्ड, और अपने खेत का साइज बढ़ा लिया। मोहन वाज एंग्री बट आल्सो ए लिटिल फ्राइटेंड। मोहन गुस्सा तो हुआ लेकिन उसे डर था कि क्योंकि रघु की जो फैमिली थी ओन्ड मैनी फील्ड एंड बिसाइड्स हिज अंकल वाज आल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज। क्योंकि रघु के पास बहुत ज़्यादा जमीन थी, रघु की फैमिली के पास, उसका चाचा जो है गाँव का सरपंच भी था। मतलब दबदबा दिखाया गया कि गांव में कैसे दबदबे होते हैं। बट इवन सो द ही प्लक्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु हाउस। लेकिन फिर भी उसने साहस किया और रघु के घर चला गया। ए हेटेड आर्गूमेंट फॉलोड, बहुत ही घृणात्मक एक दूसरे से वाद विवाद हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, और रघु ने रिफ्यूज कर दिया टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बाउंड, कि उसने कोई बाउंड को, जो बीच में जो दीवार खींची हुई थी, डोल जिसे बोलते हैं, वो हिलाई हो। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज ने हेल्पर एंड दे बिगेन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। फिर
फिर उसने अपने किसी हेल्पर को बुला लिया मोहन को, उस पर वो मोहन को चिल्लाए और उसे पीट भी दिया। द नेबर हर्ड दिस कमोशन, जो पड़ोसी हैं उन्होंने ये आवाज़ें सुनी और दे टुक हिम एंड रश टू द स्पॉट वेयर मोहन वाज बींग बीटन अप, और उस स्थान पर गए पड़ोसी जहाँ मोहन को पीटा जा रहा था। दे टुक हिम अवे, उसको वो बाहर ले आए। ही वाज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड, उसके सिर और हाथ पे चोट लगी हुई थी, जो आम तरह की लड़ाइयाँ आप देखते हो गांव में, इस तरह की लड़ाई थी। ही वाज गिवन फर्स्ट एड बाई वन ऑफ हिज नेबर, फर्स्ट एड दी गई, मतलब उसको पट्टी वगैरह की गई। हिज फ्रेंड हु आल्सो रन द विलेज पोस्ट ऑफिस, तब वो पोस्ट ऑफिस गए भाग के, सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन, और उन्होंने सजेशन दिया कि भाई पुलिस स्टेशन में जाएं और एंड ए फाइल ए रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट दर्ज करवाएं, FRI जिसे बोलते हैं, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो थाने में पेश की जाती है। अदर वर डाउटफुल, दैट वाज ए गुड आइडिया, दे फेल्ट दे वुड वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट, लेकिन दूसरों ने कहा कि भाई आपका गांव का झगड़ा है, क्यों आप पुलिस में जाते हो, इससे बहुत सारा पैसा खर्च होगा, पहले थाने में घुस देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद केस होगा, केस में दोनों के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, टाइम का वेस्ट होगा। सम पीपल सेड दैट रघु फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कनेक्टेड द पुलिस स्टेशन, और कुछ ने तो ये भी कहा कि भाई चले जाओ पुलिस में, लेकिन पुलिस में भी तो रघु की फैमिली के कनेक्शन वाले लोग ही बैठे हैं वहाँ, पुलिस वालों के साथ जान पहचान है इसकी। आफ्टर मच डिस्कशन के बाद इट वाज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन अलोंग विद सम ऑफ द नेबर, अंत में कोई बात नहीं भाई, देखी जाएगी कनेक्शन है या नहीं है, पैसा लगेगा कि नहीं, वो कुछ पड़ोसियों के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। हु हैड सीन द एक्सीडेंट, जिन्हें इस एक्सीडेंट को देखा था। उसके बाद एरिया ऑफ द पुलिस, पुलिस का एरिया आपको पता ही, एक चौकी होती है पुलिस में, उसके कुछ गांव आते हैं, गांव में जो भी मतलब उसके चौकी के आसपास के जो गांव होते हैं उसमें SHO होता है, जो हेड कांस्टेबल होता है उसका थाने का। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का एरिया क्या होता है। ऑन द वे द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन, किसी ने कहा कि भाई हम इस स्टेशन में क्यों जाए, क्योंकि यहाँ तो जो थानेदार वगैरह वो तो उसके कनेक्टेड लोग हैं, हम पैसा यहाँ क्यों वेस्ट करें, हम बड़े पुलिस स्टेशन चले जाएं जो टाउन में है। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये पैसे का सवाल नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, लेकिन मोहन ने कहा कि हम वहाँ अपना केस दर्ज नहीं कर सकते, हम अपना केस सिर्फ वहीं दर्ज कर सकते हैं जिस एरिया में हमारा पुलिस स्टेशन है, मतलब पुलिस के स्टेशन का एक क्षेत्राधिकार होता है, जरिडक्शन होती है कि यहाँ के जो मामले हैं वो वही पुलिस थाना देख सकता है। अब ये बताएगा भी आपको, एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम अंडर इट्स कंट्रोल, हर पुलिस का एक एरिया होता है पुलिस स्टेशन का जो उसके कंट्रोल में होता है, और मोहन का जो एरिया है वो उसकी पुलिस थाने के अंदर आता है जो उनके गांव के आसपास है। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट एक्सीडेंट इंजरी फाइट एक्सेट्रा, और मोहन बड़ा समझदार, उसको पता है कि सारे लोग अपने ही एरिए में चाहे चोरी हो, एक्सीडेंट हो, लड़ाई झगड़े हो, उनके केस वहीं दर्ज कर सकता है जहां पर उसका एरिया है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन दैट केसेस विद इन इट्स एरिया, और ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र में आने वाली घटनाओं को इंक्वायर करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और उस पर एक्शन ले। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि एक पुलिस स्टेशन होता है जिसके अंडर में, जिसके जरिडक्शन में कुछ गांव आते हैं और उन गांव के या उस क्षेत्र के जो जितने भी मामले हैं उन पर एक्शन कौन ले सकती है, उस
क्षेत्र की लोकल पुलिस। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे क्या क्या होता है, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद क्या क्या होता है। व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचे, मोहन वेंट टू ए पर्सन इन चार्ज स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये आप याद रखना, SHO का नाम सुना होगा, ठीक है, हम तो उसी को बड़ा मान लेते हैं क्योंकि वो क्षेत्र में सब क्षेत्र की जो पुलिस है उसका सबसे बड़ा हेड होता है। इसका नाम है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, वो उस थाने का इंचार्ज होता है। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और मोहन वहाँ गया उसके पास SHO के पास और उसे बताया कि क्या क्या हुआ था। ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉन्टेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, उसने बताया कि मैं चाहता है कि वो ये जो कंप्लेंट है वो रिटर्न में देना चाहता है। रिटर्न में देने के बाद रिटर्न में जो काम होता है वो सही होता है। द SHO रूडली बर्स्ट हिम असाइड शेइंग दैट ही कुड नॉट बी बोदर टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन माइनर कंप्लेंट। लेकिन SHO जो है रूडली, जैसे आमतौर पर पुलिस वाले आते हैं, रूडली पेस आया और उन्होंने कहा मैं ये बोदरिंग नहीं लेता, मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी मोल नहीं लगता लेता और ना ही मैं टाइम वेस्ट करूँगा कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट, ये छोटी सी कंप्लेंट लिखूँ कि तुम्हारा झगड़ा हो गया और तब मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूँगा। मोहन शोड हिम हिज इंजरी बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम, उनका फ़ोन वगैरह आ गया होगा ना पहले ही, मोहन ने उसको इंजरी दिखाई बट SHO को बिलीव ही नहीं है, विश्वास नहीं हुआ। अब मोहन पजल हो गया, मोहन वाज पजल, असमंजस में हो गया। एंड डिड नॉट नो वट टू डू, और उसे पता ही नहीं था कि वो क्या करे। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बींग रिकॉर्डिंग, उस वो पता ही नहीं चल रहा था कि ये मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहा, मेरे साथ तो एक्चुअल घटना हुई है। तो ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर इन टू द ऑफिस, बाद में वो अपने पड़ोसी के पास गया और उसे बात की। दे आर्ग्यूड स्ट्रॉन्गली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ दैम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम। अब वो पड़ोसी भी आए SHO के साथ, उन्होंने आर्ग्यूमेंट की और उन्होंने कहा कि हमारे सामने इसकी पिटाई हुई है और अगर हम नहीं बचाते तो शायद इसको वो जान ले लेता, उसको सीरियसली चोट ज़्यादा लग जाती, वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। दे इंसिस्ट दैट द केस बी रजिस्टर, और वो बड़े इंसिस्ट थे कि केस को फाइल करो, आप इसको वैसे मत जाने दो। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, और उसके बाद SHO एग्री हो गया। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट, उन्होंने मोहन को कहा कि अपनी कंप्लेंट लिख दे। एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड ए कॉन्स्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट, और उसके बाद उसने एक आदमी को भेजा और कॉन्स्टेबल, जो कॉन्स्टेबल था वहाँ सिपाही की जो एक्सीडेंट है उसकी जाकर इन्वेस्टिगेट करे, उसको देखे कि क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ लॉ रिकॉर्ड्स, ये तो था पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में क्या 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 काम हुआ उसका, मोहन का। अब देखना था कि जो चीज़ें हैं गलत हो रही थी वो क्या थी। लैंड रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं, ये तो क्रिमिनल जो मामले थे, देखो दो तरह के मामले होते हैं, एक तो क्रिमिनल मामला था ये मार पिटाई का, तो ये तो सीधे FRI होगी, पुलिस थाने का केस है। लेकिन जो लैंड रिकॉर्ड्स है ना वो पुलिस में नहीं होते, वो कहाँ होते हैं, पटवारी और तहसीलदार के पास होते हैं ना आपकी लैंड का, वो इस तरह के मुकदमे होते हैं सिविल केस। अगर इनका लैंड का झगड़ा होता ना फिर FRI दर्ज नहीं होती। देखो ये मोहन है और ये रघु है, इनकी आपस में ये ज़मीन की हो जाती इंक्वायरी और इनकी आपस में हाथापाई नहीं होती तो पुलिस में नहीं जाना पड़ता, इनको सीधे कोर्ट केस होता। बट अब इनकी लड़ाई हो गई, क्रिमिनल केस बन गया, तो ये पुलिस बीच में आ गई, ठीक है। अगर ये मामला सिर्फ लैंड का होता तो वो सीधे कोर्ट में जाता। यू सा दैट मोहन एंड रघु वर आर्गुली हीटेड वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ दिस देयर फील्ड हैड बीन शिफ्टेड, आपने देखा कि किस तरह से दोनों में लड़ाई हुई, क्यों, क्योंकि फील्ड की जो बाउंड्री है वो चेंज की गई। इज नॉट देयर ए वे बाई विच दे कुड हैव सेटल दिस डिस्प्यूट इन ए पीसफुल मैनर, तो ये आपसे पूछता है कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था कि शांतिपूर्वक इसको सुलझाया जाए। उसका एक तरीका है, आप लैंड रिकॉर्ड के लिए
पटवारी के पास जाता, पटवारी उसकी मेजरमेंट करवाता, मेजरमेंट के बाद जिसका खेत जितना निकलता पटवारी के सामने बाउंड्री तय हो जाती। ये एक तरीका है, लड़ने की क्या ज़रूरत थी। आर देयर रिकॉर्ड दैट शो हु ओन वट लैंड इन विलेज, तो वो कौन से रिकॉर्ड होते हैं जो ये शो करते हैं कि गांव में किसकी ज़मीन, कितनी ज़मीन किसकी है और कौन सी ज़मीन किसकी है। तो हम पता करते हैं, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इन द मेन वर्क ऑफ द पटवारी, ज़मीन का की मेजरमेंट करना, उसे नापना और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, हर खेत के नंबर होते हैं, वो पटवारी का काम है। द पटवारी इज़ नोन बाई डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट, इन सम विलेज सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश विविधता वाला देश है, एक गांव एक राज्य से दूसरे राज्य में इसका नाम भिन्न भिन्न है, कहीं इसे लेखपाल कहा जाता है, कहीं इसे कानून गो कहा जाता है और कहीं इसे कर्मचारी और विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है। ठीक है, वी विल रेफर टू दी ऑफिसर एज पटवारी, लेकिन हम यहाँ पटवारी कहेंगे क्योंकि आमतौर पर पटवारी शब्द ही यूज किया जाता है। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज, एक पटवारी के अंडर भी दो तीन गांव आते हैं, और दी पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज, और पटवारी ही जो ज़मीन है या गांव का जो भी रिकॉर्ड है वो सारे पटवारी के पास होता है। द मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स कैप्ट बाई पटवारी, जो द मैप है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल, पत्राचार मतलब मैप होते हैं, जैसे खेत का मैप है उसके नंबर होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल का मतलब किसके नाम पर कौन सी ज़मीन चढ़ी, उतरवाई गई ज़मीन, किसके नाम पर लिखी गई, किसने किसका खेत मोल ख़रीद लिया था, वो सारी चीज़ें पटवारी के रजिस्टर में होती हैं। फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स कैप्ट बाई पटवारी। द पटवारी यूजुअली हैज़ वे ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड, पटवारी आमतौर पर जो एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं, खेती करने की ज़मीन होती है उसका मेजरिंग करते हैं। इन सम प्लेस ए लॉन्ग चेन इज यूज, कुछ स्थानों पर लंबी लंबी चेन का प्रयोग किया जाता है। इन अबव इंटेंस द पटवारी वुड हैव मेजर बोथ मोहन एंड रघु फील्ड, इस केस में जो पटवारी है दोनों के खेत मापता है, मोहन का भी रघु का, एंड कंपेयर्ड विद द मेजरमेंट ऑन द मैप, और जो उसके मैप पास मैप था कॉपी में उसके साथ उसकी मेजरमेंट करता है, ठीक है, तो देखता है कि वो किसने किसकी ज़मीन हथियाई है। इन दे इफ़ दे डिड नॉट मैच, अगर वो मैच नहीं होती ज़मीन, दैट इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज़ बीन चेंज्ड, अगर मैच नहीं हो रही तो पता चल जाता है कि भाई ज़मीन की बाउंड्री चेंज कर दी गई है। तो उसके बाद क्या हुआ, द पटवारी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, पटवारी का एक काम और है। आपने देखा होगा अगर आप घर में किसान हैं आपके, तो माल दरखास्त की एक पर्ची आती है हर साल, उसमें कुछ रेवेन्यू लगता है, मतलब टैक्स लगता है जिसे राजस्व कहते हैं, खेती पर 100, 50 रुपये 200 रुपये आपके टैक्स माल दरखास्त की रूप में आपको सरकार को देने होते हैं, तो उसे हम राजस्व कहते हैं। फ्रॉम द फार्मर, फार्मर से इकट्ठा करता है, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन द एरिया, और सरकार को ये जानकारी देता है कि उसके एरिया में किस किस तरह की फसल बोई गई है, कितनी कपास बोई गई है, कितनी धान की खेती बोई गई है, कितनी गन्ना की खेती है, ये सब पटवारी रिकॉर्ड रखता है। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट आर केप्ट, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलर अपडेट दिच, और इसलिए ज़रूरी है कि जो पटवारी के जो रिकॉर्ड हैं वो रेगुलरली अपडेट होने चाहिए, ताकि फार्मर जो हैं वो अपनी ज़मीन के जो रिकॉर्ड हैं वो पटवारी से कलेक्ट कर सके। फार्मर में चेंज द क्रॉप ग्रोन ऑन दिस फील्ड और समवन में डिग एज वेल समवेयर, आर कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज़ वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सारे काम जो है
वो एक सरकार का हमारा राजस्व विभाग होता है, वो काम ये देखता है कि किसको कितना टैक्स लगता है। सीनियर पीपल इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क, और जो पटवारी से ऊपर बैठे हुए लोग हैं सीनियर, जैसे कानून के ऊपर पटवा तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर IAS अधिकारी बैठते हैं, एक्शन वगैरह, वो पटवारी का काम देखते हैं। ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स, भारत की सभी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में बटी हुई हैं। जैसे हमारा राज्य जो हरियाणा है उसमें 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर रिलेटिंग टू लैंड एंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, लैंड और दूसरे जो मामले हैं टैक्स वगैरह के, उनको मामलों को निपटाने के लिए जिले को सब डिवाइड किया जाता है, सब तहसील में बांट दिया जाता है। और जब हम जिले को डिस्ट्रिक्ट को सब डिवाइड करते हैं तो तहसील तालुका बन जाती है, तहसील को ही कई जगह तालुका बोला जाता है। एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उस पर जो ऊपर बैठा हुआ डिस्ट्रिक्ट DC बोलते हैं जिसे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जो एक IAS अधिकारी होता है। एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर, और उसके अंडर में कुछ टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर होते हैं, आल्सो नोन एज तहसीलदार, जिसे तहसीलदार बोलते हैं, ये तहसील में बैठता है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, वे इस तरह के मामले सुनते हैं। दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी, पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं कि कहीं पटवारी जो है पैसे लेकर गलत जमीन के मैप तो नहीं दिखा रहा। एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड आर प्रॉपरली कैप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्ट, ताकि जो रिकॉर्ड हैं वो प्रॉपरली रखे जाएं और लैंड का जो रेवेन्यू है, राजस्व है, टैक्स है, वो भी इकट्ठा होता रहे। दे मेक श्योर दैट द फार्मर कैन आइजली ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये भी देखते हैं कि जो किसान है वो अपने खेत की कोई एक रिकॉर्ड की कॉपी उनके पास हो। स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, और आपने देखा होगा आपके डोमिसाइल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये तहसीलदार द्वारा ही इशू किया जाता है। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर, तहसीलदार के ऑफिस में ही क्या होता है, ये इस तरह के लैंड डिस्प्यूट्स सुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये कुछ फार्मर की बातें दे रखी हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। फार्मर आर रिक्वायर ए कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड, मतलब क्यों हमें लैंड रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए कि हम एक दूसरे से ना लड़ें, मतलब एक जो खेत है दूसरा उसके खेत को कहीं मतलब छीन ना ले, उस पर कब्जा ना जमा ले, इसलिए चाहिए। उसको कई बार लोन लेना पड़ जाता है, उसको फर्टिलाइजर बीज खाद लेना पड़ता है, अपनी कॉपी दिखाकर। जब कॉपी होगी तभी तो उसको पता चलेगा कि भाई ये जो है किसान है और इसको खाद की ज़रूरत है। और अपने जो बच्चों को प्रॉपर्टी नाम करता है तो भी इसे रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है। तो बैंकों को इसे लोन लेने के लिए, फर्टिलाइज़र वगैरह खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी के रूप में लैंड के कागज़ ज़रूरी होते हैं। ये एक लड़की की पोएम है, बड़ी अच्छी है। फादर इनहेरिटेटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन से ही एल शैल लीव इट टू बोदर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर, टू एक्सेप्ट ए शेयर इन माय फादर होम इज नॉट वेरी वॉर्मली आई एम टोल्ड, आई एम रियली वांट ए प्लेस माय ओन, नॉट डाउरी और एंड सिल्क। ठीक है, अब नया ए न्यू लॉ, किस तरह का एक कानून बना है, इसमें क्या है, इस पोएम में क्या कहा गया कि जो मेरे फादर की ज़मीन है उसमें मेरा और मेरी माँ का कोई हिस्सा नहीं है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता था कि लड़कियों को पापा की जो ज़मीन है उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता था, तो नया एक कानून बन गया। उस कानून कब बनाओ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसके अनुसार जो हिंदू लोग हैं हिंदू धर्म के, और जो जिसके पास एग्रीकल्चर फील्ड है उसके हस्बैंड के पास, तो उसमें इक्वल शेयर होगा उसकी पत्नी का,
ठीक है। तो ये है वंस व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन। जैसे ही हम सोचते हैं कि कोई फार्मर है उसकी ज़मीन है तो हम सोचते हैं कि वो आदमी होगा, कभी भी हम औरत के बारे में ये नहीं सोचते कि इसके पास ये एक फार्मर होगी या इसके पास ज़मीन होगी। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड। क्या हम औरतों को काम करते हुए नहीं देखते फील्ड पे? देखते हैं, बट पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन वो काम तो करती है बट उसके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती। टिल रिसेंटली इन द सेम स्टेट्स हिंदू वोमेन डिड नॉट गेट ए शेयर इन फैमिली एग्रीकल्चर लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइड इक्वली बिटवीन हिज अमंग हिज सन। कि जब फादर की डेथ हो जाती है तो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सिर्फ बेटों में डिवाइड हो जाती है, बेटियों में नहीं। लेकिन रिसेंटली कानून चेंज हुआ है और जो नया कानून है वो सन्स डॉटर और उसकी मदर को भी इक्वल शेयर देता है। द सेम लॉ अप्लाई विल अप्लाई ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ द कंट्री। और ये सिर्फ एक में नहीं, एक राज्य में नहीं, ये सब राज्यों में एक जैसा ही कानून है कि शादी के बाद औरत की ज़मीन पे, औरत की अपने पति के जो ज़मीन होती है उस पर इक्वली हक होता है। दिस लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वोमेन। इससे बहुत सारी औरतों को फ़ायदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज एल्डेस्ट डॉटर ऑफ हिज एग्रीकल्चर फैमिली। सी इज़ मैरिड एंड लाइव्स इन ए नेबरिंग विलेज। आफ्टर हिज फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। हिज मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलोंग विद द नेम ऑफ ऑल हिज चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। सुधा की माँ, उसके फादर की डेथ हुई, सुधा काम करवाने के लिए आती थी, तो सुधा की माँ ने भी सुधा को हिस्सा दिया है लैंड में। एक यही बात थी इसमें। दूसरा एक पब्लिक सर्वे है। इस पब्लिक सर्वे में क्या कहा गया है? दिस चैप्टर हैज़ लुक सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर रूरल एरिया। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। पहला तो है कि पंचायत जो है लॉ एंड ऑर्डर संभालती है, सॉरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर संभालती है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कोई आपस में ना लड़े झगड़े। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि जो तहसीलदार है और पटवारी है वो मेंटेनिंग करते हैं, लैंड की मेजरिंग करते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और जो और दूसरी तरह की पब्लिक सर्विसेज हैं उनको गांव में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब पब्लिक सर्विसेज में आपकी जैसे पुलिस स्टेशन क्या काम कर रही है, मिलक सोसाइटी, द फेयर प्राइस शॉप, दुकानें जो हैं वो अच्छा फेयर का मतलब ज़्यादा दाम ना बढ़ाएं, बैंक अच्छे तरीके से काम करें, पुलिस स्टेशन में बढ़िया काम होता रहे, एग्रीकल्चर सोसाइटी अच्छा काम करे, किसानों को सीड और फर्टिलाइजर समय पर मिलता रहे। ये सारी जो चीज़ें आती हैं ना, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर आती हैं, डीसी के अंडर आती हैं। पोस्ट ऑफिस अपना काम सही ढंग से करें, आंगनबाड़ी, स्कूल, सब हॉस्पिटल्स, ये सब क्या है? ये आम लोगों की फैसिलिटी के साधन है ना, और ये फैसिलिटी हमें एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन क्या है प्रदान करता है। प्रशासन में को चलाने वाले सरकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है, देखो ये किसी पटवारी के पास एक खसरा होता है, खसरा ज़मीन का रिकॉर्ड होता है, और ये देखो एरिया, कितने एरिया हेक्टेयर भूमि है, किसके नाम है, और किसने रेंट पे ली है, किसने कौन सी क्रॉप उगाई गई है। तो इसमें देखो हेक्टेयर है 0.7, मोहन के नाम है, और क्या उसने रेंट पे दी नहीं है, सोयाबीन उगाई हुई है। तो इस तरह के जो रिकॉर्ड हैं ये पटवारी किसके पास बनाकर भेजता है? आगे तहसीलदार को, और तहसीलदार किसके पास भेजता है? डीसी को, और डीसी भेजता है आगे सरकार को। ये मैप है भाई, ठीक है, ये आपका रोड दिखाया गया है, ठीक है, ये एक व्यक्ति की लैंड है, ये दूसरे व्यक्ति की लैंड है, पटवारी के पास रिकॉर्ड है। अगर मोहन ने
रघु की जमीन को, रघु ने मोहन की जमीन को आगे बढ़ाया होगा तो इस मैप में दिख जाएगा। ठीक है, कुएं का भी निशान है, ग्रासलैंड का भी है, ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।